एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने ईवीएस के कुछ क्वेश्चन लेके। और ये ईवीएस पैडागोजी की क्विज है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम चलिए अभी इनको देख लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना आपको इसमें। जैसे क्वेश्चन है, मीटा ऑलवेज आस्क हर स्टूडेंट सम ओपन एंडेड क्वेश्चन इन एन ईवीएस क्लास। हर मेन ऑब्जेक्टिव कुड बी डेवलपिंग स्टूडेंट। एक गर्ल है जो अपनी ईवीएस की क्लास में, मीटा ऑलवेज आस्क हर स्टूडेंट, मीटा अपने स्टूडेंट से कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रही है ईवीएस की क्लास में, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट? कन्वर्जेंट थिंकिंग, लिसनिंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, स्पीकिंग स्किल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिव थिंकिंग। वो क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ड ही ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट्स को उनके विकास में या उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। जब तक बच्चा खुद नहीं सोच लेगा वो कि उसके आइडियाज़ और थॉट्स या खुद से वो चॉइस नहीं कर लेगा तब तक वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। अगर उसके माइंड में अगर उस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो ईजिली चीज़ों को कंजर्व करना सीख जाएगा, ईजिली उस चीज़ों को फाइंड आउट करना सीख जाएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वही होते हैं जिनका एक आंसर ना हो के मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो वही बच्चा क्रिएटिव चाइल्ड कहलाएगा जो मीन्स अपने अंदर न्यू आइडियाज रखता होगा। इंटरटेनिंग वे में वो उनको मीन्स वो उनको टैकल करता होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इशू बाय यूजिंग द कंटेंट एंड मेथड ऑफ सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस एंड सोशल साइंस। तो दोस्तों इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट में ये पूछा है कि इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसेस एनवायरमेंटल इशू का कंटेंट के मेथड, तो इसके लिए हमें साइंस तो है ही, सोशल साइंस की भी जरूरत है और इन्वायरमेंटल एजुकेशन की भी जरूरत है। तो तीनों का मिक्सचर होता है, साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज इक्वल इन्वायरमेंटल स्टडीज। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेप आर फॉलोड इन प्रोजेक्ट मेथड। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके कितने स्टेप है? तो इसके 6 स्टेप है दोस्तों, 6 स्टेप, ऐसे 6 स्टेप हमें, उनसे 6 स्टेप से फाइंड आउट करके हमें एक अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। तो ये 6 स्टेप कौन कौन से एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहला है क्रिएटिव सिचुएशन, सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम, थर्ड है प्लानिंग, फोर्थ है एग्जीक्यूशन, फिफ्थ है इवेल्युएशन एंड लास्ट वन रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने स्टूडेंट की एक क्रिएटिव मीन्स क्रिएटिंग सिचुएशन डालनी पड़ेगी, उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए फिर उसकी प्रॉब्लम का मीन्स हल ढूंढना होगा कि कैसे सोल्व आउट हो सकती है। उसको करने के लिए हमें एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। प्लानिंग के दौरान जो भी हम चीज़ रिसोर्सेज या जो भी प्लानिंग करेंगे उनका हमारे पास रॉ मटेरियल या उसको मींस अरेंज करके कैसे क्या, देन हम उन पे फिर इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन के बाद देन अपना रिकॉर्डिंग, और इसका फाइनल वे यही है, 6 स्टेप फॉलो करिए तो प्रोजेक्ट मेथड हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें नोट पूछा, आप एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नोट वाला क्वेश्चन बहुत ही भयंकर होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो टीचिंग प्राइमरी लेवल पे टीचिंग ईवीएस के लिए का ऑब्जेक्टिव नहीं है?
फर्स्ट है अराउज क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी तो होना है, बच्चा जब तक जिज्ञासु नहीं होगा जब तक तो वो ठीक नहीं है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। इंगेज इन एक्सप्लोरेटरी ये भी होगा क्योंकि वो एंड अपनी जब तक खुद करके जब तक अपनी स्किल के लर्निंग बाय डूइंग नहीं करेगा तब तक वो कुछ सीख ही नहीं सकता। नेक्स्ट है टू लोड लर्नर डिटरमाइन डेफिनेशन, सिर्फ आपको उनको ये एक डेफिनेशन या उनको लिखवा कर ही छोड़ दे तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सीखेगा, घर जाते ही वो बैग को रखेगा और फिर नहीं, जब तक वो खुद अपने हाथ से नहीं कर सकता तब तक वो नहीं सीखेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन टू इंटरलाइज द वैल्यू ऑफ कंसर्न एंड लाइफ, लाइफ के साथ अगर वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा होगा तो वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा, तो सी आंसर है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल ए टीचर शुड ऑप्ट एंड सॉल्यूट इन प्रैक्टिकल एनालाइज ऑफ टॉपिक, सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ाते हुए वो मीन्स टीचर कौन सा मटेरियल है जो प्रैक्टिकली अपना यूज़ करेगी, कोकोनट ऑयल नहीं, कोकोनट वाटर ये भी नहीं करेगी, मरकर ये भी नहीं करेगी, सोडियम क्लोराइड, हाँ दोस्तों सोडियम क्लोराइड का बहुत ही इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर में क्योंकि वाटर इज सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड वाटर, जो सोडियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला है NaCl और उसको सॉल्वेंट करने के लिए हमें वाटर और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन में बहुत ही इफेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालिनी वांट्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ एनिमल और फ्रेंड्स टू क्लास थर्ड, इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक मोर इंटेंसिवली द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी वुड बी टू यूज ए चार्ट शोइंग पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम चार्ट पे कितने एनिमल बना सकते हैं, मुश्किल से एक ही बनेगा। ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे भी हम कितने एनिमल बना लेंगे, दोस्तों को सब एक जैसे नजर आएंगे। शो ए वीडियो फिल्म ऑन एनिमल एंड देयर यूजफुलनेस। नेक्स्ट है आस्क द स्टूडेंट टू सी पिक्चर ऑफ एनिमल गिवन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक अगर स्टूडेंट खुद ही पढ़ने लग जाए तो फिर टीचर का क्या काम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हम उनको एक वीडियो फिल्म के दौरान एनिमल्स और उनकी जो भी कंडीशन होती है उनसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एब्रिविएशन ईवीएस स्टैंड फॉर, ईवीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों, फोर्थ और फिफ्थ की बुक या थर्ड की बुक पे आप जाके देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज लिखा होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग मैप टू प्राइमरी ग्रेडर्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताना आपको, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लर्नर्स टू ब्रिंग द मैप ऑफ इंडियन फ्रॉम देयर होम शोइंग एन एटलस टू लर्नर्स, एटलस तो हम अभी प्राइमरी स्टूडेंट पे कर ही नहीं सकते, सिर्फ ग्लोब के माध्यम से हम तो हम दिखा सकते हैं कि ये देखो एक ग्लोब है। फैसिलिटेटिंग लर्नर टू कंस्ट्रक्ट मैप ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग बाय अस बाय यूजिंग देयर ऑन सिंबल एंड फोकसिंग ऑन रिलेटिव पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, ये हो सकता है दोस्तों, ड्राइंग ऑफ द मैप बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल ड्रॉ इसको तो हम कर ही नहीं सकते, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एज एन ईवीएस टीचर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइज ए फील्ड ट्रिप टू ए जू, कौन सा एक मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकता है दोस्तों फील्ड ट्रिप के दौरान, अगर आप जू गए हो तो आपको इसका आंसर देने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड फन एंड इंजॉयमेंट टू स्टूडेंट, सिर्फ फन और इन्जॉयमेंट के लिए नहीं और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, टू हैव ए चेंज इन मोनोटोनी ऑफ रूटीन टीचिंग स्टूल, ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन जाके हम कौन सा वो कर लेंगे, सिर्फ चीज़ें तो ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन को देखेंगे, तो टू प्रोवाइड एक्टिव लर्नर एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, ये हो सकता है उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ की जो भी जोग्राफिकल कंडीशन है उनको देखेंगे,
टू सेटिस्फाई पेरेंट्स ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द लंच ब्रेक वाइल टीचिंग ईवीएस यू फाइंड दैट स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास, तो व्हाट वुड यू डू। दोस्तों एक लंच ब्रेक के बाद अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए मीन्स आप क्या कर सकते हैं, यूज ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंट टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, ये हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज द टॉपिक इमीडिएटली, टेक द चिल्ड्रन आउट टू प्ले इन द ग्राउंड, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आस्क देम टू पुट देयर ही डाउन हेड डाउन ऑन द डेस्क एंड रिलैक्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर बच्चे रोज क्लास में सोते ही रहेंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ए, उनको ऑडियो विजुअल के माध्यम से इस तरह पढ़ाया जाए कि उनके लिए वो चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाए और उनका क्लास में भी मन लग जाए। सो ये थे दोस्तों हमारे पेडागोजी के ईवीएस के क्वेश्चन, कैसे लगे आपको, एंड थैंक यू।